पूल्स का जो सबसे फेवरेट फॉर्म है, जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा टर्न करते हैं, इज ऑफ एन अट्रैक्टिव वुमन। गूल्स का ये फेवरेट फॉर्म होता है, एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाना। भाई मेरी एक्स एक गूल थी। यो व्हाट्सअप गाइस, हाय माय नेम इज साहिल एंड यू गाइस आर वाचिंग प्रोफेशनल मैग्नेट। कुछ महीने पहले की बात है, मेरी वीडियोस के नीचे अचानक से स्पैमिंग हो रही थी कि भाई फिंक की कंस्पिरेसी थ्योरीज वीडियोस पे रिएक्ट करो, फिंक की कंस्पिरेसी वाली वीडियोस पे रिएक्ट करो। फिर जब उनको पता चला कि मैं मैग्नेट टीवी पे कंटेंट बनाता हूं, तो उन्होंने मैग्नेट टीवी पे स्पैम करना शुरू कर दिया कि फिंक की कंस्पिरेसी वाली वीडियोस पे कंटेंट बनाओ। सो देयर यू गो गाइस, फाइनली तुम लोगों की एक इच्छा तो मैं पूरी कर ही रहा हूं। और लेट्स सी, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा देन आई विल चेक आउट लाइक मोर कॉन्टेंट। बट फिलहाल के लिए टाइप्स ऑफ डीमंस। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। इस चैनल पे तुमने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी और मैंने इस चैनल पे काफी सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, बहुत सारे अलग अलग हॉरर और थ्रिलर टॉपिक्स पे, और उन टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं डीमंस का मेंशन हो चुका है। अब डीमंस तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में पता होंगे कि डीमंस, हाँ भाई पॉज एक सेकंड, ये बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, इतनी डार्क वाइब क्रिएट करना है ये बैकग्राउंड म्यूजिक। ब्रो जमीर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है? होते हैं इविल स्पिरिट्स, होती हैं शैतान कह सकते हैं। डीमंस के बारे में तुम्हें पता ही है, मेरे को भी अभी रिसेंटली पता चला है कि डीमंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एंड जैसे yes. मेरे को पता चला था, मेरे को समझ आ गया था कि इस चीज पे मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी इन अलग अलग टाइप्स को। मेरे को एक बार मैं खुद सोच रहा था, क्योंकि हमने आज तक सिर्फ डीमन एक ही वर्ड सुना है, राइट? हमने कभी ये नहीं सुना था कि डीमंस के भी टाइप होती हैं अलग अलग। या लेट्स गो पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों में से काफी सारे लोगों ने इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी करा कि डीमंस और उनके टाइप्स पे वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में हम डीमंस के 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ 1,000-2,000 टाइप्स है, उनमें से जो सबसे ज्यादा नोन हजार दो हजार टाइप्स है, आज हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो होगी पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम और 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम जाके वीडियो को लाइक कर दो, इट हेल्प्स द चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, गूल्स। जैसे जैसे मैं अलग अलग टाइप के डीमंस को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, मैं हर एक डीमन के स्पेसिफिक फीचर्स को मेंशन करूंगा। क्या था टाइप? रिवर्स गूल्स, गूल्स क्या था ये? तो वोल्डेमॉर्ट लग रहा है। गूल्स, गूल्स। जैसे जैसे मैं अलग अलग टाइप के डीमंस को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, मैं हर एक डीमन के स्पेसिफिक फीचर्स को मेंशन करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर एक डीमन के क्या क्या फीचर्स हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं और कैसे तुम उन डीमंस को बाकी डीमंस से डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गूल्स। गूल्स आर डीमंस, इविल क्रिएचर्स जो रात को हंट करते हैं। और स्पेसिफिकली गूल्स तुम्हें ग्रेवयार्ड्स के पास मिलते हैं। गूल्स ग्रुप में घूमते हैं और ज्यादातर इनका ग्रुप ग्रेवयार्ड्स के पास रहता है। गूल्स की इनसेनली ह्यूज एपेटाइट होती है, मतलब गूल्स एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा खा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि गूल्स क्या खाते हैं, एंड द आंसर इज गूल्स ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। और ह्यूज एपेटाइट की वजह से वो एक ही बार में बहुत सारा। ब्रो आई न्यू दिस वाज कमिंग भाई। डीम ह्यूमन फ्लैश खाते हैं भाई, क्यों? वेल क्यों का कोई आंसर नहीं है, बट ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, तभी तो वो ग्रेवयार्ड के पास रहते हैं। फूड सप्लाई चेन सारा ह्यूमन फ्लैश खा सकते हैं, बहुत सारे विक्टिम्स को वो एक साथ खा सकते हैं, बिंज ईट कर सकते हैं। और गूल्स रात को हंट करते हैं, और वो स्पेसिफिकली उन ह्यूमंस को हंट करते हैं जो वीक होते हैं और खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। गूल स्पेसिफिकली भीड़ के अंदर से उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो वीक होते हैं, जिनमें कोई डिजीज है या फिर उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। गूल स्पेसिफिकली इन लोगों को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि ये इजी टारगेट होते हैं। गूल्स बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, और गूल्स स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया ग्रुप्स में रहते हैं, और ये ग्रुप्स काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं। और जब भी ये ट्रैवल करते हैं, तो जहां भी ये जाते हैं, ये अपने साथ डिजीजेस, बीमारी, डिसेबिलिटी और कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं साथ में। ओके, सो आई गॉट इट। सेंस जो गूल्स होते हैं वो एक वो यूजली ग्रेवयार्ड के पास ही रहते हैं, राइट? तो इट्स लाइक वो ट्रैवल भी करते हैं, तो ग्रेवयार्ड, एक मोहल्ले का ग्रेवयार्ड और दूसरे मोहल्ले का ग्रेवयार्ड इज लाइक देयर स्टॉप स्टेशन, जहां पे यहां से चलते हैं वहां पे रुक जाते हैं, फिर दूसरे मोहल्ले के ग्रेवयार्ड में चला। आई गेस सो। कहा जाता है कि गूल स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आए हैं। गूल्स आर आल्सो नोन एज शेप शिफ्टर्स, व्हिच मींस कि शेप शिफ्टर्स में अपने आप को डाल सकते हैं, वो ह्यूमन जैसे लग सकते हैं, वो दिस इज गेटिंग स्कैरी नाउ, एक ऑब्जेक्ट तक बना सकते हैं।
ऑब्जेक्ट ओबे भाई दिस इज गेटिंग स्कैरी नाउ अलेक्सा आर यू अ घोल आई एम एन एआई सो अलेक्सा इट मींस यू आर अ घोल राइट द नाउन गर्ल इज यूजुअली डिफाइंड एज अ अलेक्सा शट अप भाई वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं इट मींस मेरा फोन भी एक गोल हो सकता है मेरा माउस भी एक गोल हो सकता है और ये सोनी कॉइन भी एक गोल हो सकता है भाई ओह माय गॉड इसके अंदर ये एबिलिटी होती है जिसकी वजह से गोल्स के लिए हम ह्यूमंस के बीच में ही छुपे रहना काफी ज्यादा आसान होता है जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि गोल्स के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी फॉर्म में शिफ्ट होने की अपने आप को कैसा भी बनाने की इसी वजह से गोल्स का जो सबसे फेवरेट फॉर्म है जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा टर्न करते हैं इज ऑफ एन अट्रैक्टिव वुमन गोल्स का ये फेवरेट फॉर्म होता है एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाना भाई मेरी एक्स एक गोल थी मेरी देखो अब यार ये लाइन मैंने क्यों बोली एडिटर भाई इसको कट कर दो यार एक चीज सोचो अभी मैं अपनी एक्स को बोल रहा हूँ कि वो इतनी सुंदर थी कि वो एक गोल थी तो मेरी करंट बोलेगी क्या मैं सुंदर नहीं ब्रो मैं बहुत वियर्ड सिचुएशन में फंस गया ये लाइन बोल के बट एनीवे मेरी एक्स एक गोल थी या बिकॉज शी वॉज टीमिन भाई चुड़ैल थी वो दैट्स व्हाट गोल्स डू And using that, काफी सारे जो males हैं, जो weak males हैं, उनको वो आसानी से attract कर लेते हैं अपने पास और उनको अपना victim बना लेते हैं। और ghouls के बारे में तुम्हें थोड़ा कुछ पता ही होगा क्योंकि ghouls are one of the most used creatures in our today's pop culture. हमारे आज के पॉप कल्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो क्रीचर है वो गूल है गूल्स के बारे में तुमने मूवीज में सुना होगा वेब सीरीज में सुना होगा इवन एनिमे के अंदर गूल्स का मेंशन है मेरे को पहले लगता था कि गूल्स सबसे ज्यादा फेमस काइंड है डीमंस का लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ा जिन्स के बारे में सेकंड टाइप जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है जिन्स जिन्स कह सकते हैं डीमंस को और बहुत ही कॉमन वे में जिस तरीके से नॉर्मल लोग इन्हें बुलाते हैं हम इन्हें जीनी भी बोल सकते हैं जिन्स आर माइटी बीइंग्स विद फिनोमिनल पावर जिन्स के पास इतनी पावर होती है और ऐसी ऐसी पावर्स होती है जो तुम सोच भी नहीं सकते एंड जिन्स एक बहुत बड़ा पार्ट है इस्लामिक कल्चर का जिन्स बहुत इस्लामिक कल्चर यस इस्लामिक कल्चर का बहुत बहुत ही बड़ा पार्ट है जिन लिटरली तुम्हें ऑलमोस्ट 70% जो भी तुम जो बातें हैं सुनोगे रिलीजियस बातें उनमें जिन का जिक्र मिलेगा एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और जितनी पावर उनके पास थी लाइक वो कुछ भी कर सकते थे वो सबसे पावरफुल क्रीचर्स थे एक टाइम पे और इसी के वजह से वो एरोगेंट होना शुरू हो गए थे उनके अंदर घमंड आना शुरू हो गया था और इसी वजह से उनका डाउनफॉल आना शुरू हुआ था जिन्स को हम ह्यूमंस नहीं देख सकते जिन्स आर इनविजिबल टू अस जिन्स के अंदर गूल्स के तरह ही पावर होती है किसी भी और फॉर्म में शिफ्ट होने की वो ह्यूमंस में फॉर्म हो सकते हैं वो ह्यूमन जैसे फिगर्स में फॉर्म हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर फॉर्म हो सकते हैं वो कोई भी शेप ले सकते हैं And the ability to change yourself into anything with phenomenal and immense power. ये दोनों चीजें जब साथ में आती है ना it's a deadly combo. Jinns के भी सब divisions हैं उनमें से एक है Ifrit. Ifrit is Jinn of Fire. Second is Marid. Marid has immense power. और जो genie wishes को पूरा करता था that was Marid. लेकिन ये genie विशेष को पूरा करता है लेकिन एट अ वेरी बिग कॉस्ट अगर तुम्हें ये जीनी मिलता है और तुम इससे कुछ विश करते हो कि तुम्हें ये चीज चाहिए या फिर तुम चाहते हो ये हो जाए उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं और वो सीधा तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे ये जिन तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकता है लेकिन एट अ जस्ट लाइक इल्यूमिनाटी राइट जस्ट लाइक इल्यूमिनाटी कि तुम डेविल को अपनी सोल दे दो और बदले में तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा लेकिन फिर तुम्हें डेविल जो चाहेगा वो करना पड़ेगा सो इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम आई गेस या ब्रो अब मैं इंटरेस्ट लेने लग गया हूँ भाई इस वीडियो में आई एम लविंग इट सीधा तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे ये जिन तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर सकता है लेकिन एट अ वेरी बिग कॉस्ट कारुन ये एक ऐसा जिन है जो ह्यूमन से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है और कहा जाता है कि हर एक ह्यूमन के साथ एक ना एक ऐसा जिन अटैच्ड होता है अब जिन्स के अंदर भाई 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 हर एक ह्यूमन के साथ ना भाई ना मेरे को तो मैं ऑलरेडी वैसे भी घर में अभी अकेला हूं कोई है नहीं है और मेरे को वैसे ही इस घर से आवाजें आती रहती है रात को थोड़ी बहुत ब्रो मत डराओ यार फेंक भाई मेरे को सोना है यार रात को मैं ऑलरेडी लेट सोता हूं सुबह लेट उठता हूं भाई जिसकी वजह से स्ट्रीम नहीं कर पाता ब्रो ऐसा मत करो यार अंदर पावर होती है कि वो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं वो बहुत ही बड़े और पावरफुल क्रीचर्स बन सकते हैं या फिर वो बहुत ही छोटे और पावरलेस क्रीचर्स बन सकते हैं जो इतने छोटे हैं कि वो शायद तुम्हारे फिंगर नेल्स के अंदर हो
तो जिन्स के अंदर ये पावर होती है, और कारण नाम का जो जिन है वो हर एक ह्यूमन के साथ अटैच होता है, कारण या कारण के साथ एक ना एक ऐसा जिन अटैच होता है, और यही जिन रीजन होते हैं हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स और रॉन्ग डिसीजंस के लिए। इन्हीं जिन्स की वजह से हम गलत गलत डिसीजंस लेते हैं। जिन्स जो है वो मेंटल इलनेस भी कॉज करते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई जिन है जो तुम्हें तंग करना चाहता है तो वो तुम्हारी मेंटल स्टेट को इतना ज्यादा खराब कर सकता है विच कैन लीड टू मेंटल इलनेस। और अगर वो जिन ज्यादा ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो वो तुम्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जिन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिन्स बहुत बड़ा रीजन रहते हैं स्लीप पैरालिसिस के लिए। अगर तुम्हें कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है तो उस भाई मेरे को बहुत बार हमारे आसपास कोई जिन हो। तुमने अलादीन मूवी तो देखी है? अबे यार मत डराओ यार भाई, मेरे साथ हुआ है ये। मेरे को स्लीप पैरालिसिस रोज रात को होता है भाई, रोज रात को। जब बंदा मेरे साथ कई बार, पता क्या होता है मेरे साथ, ऐसा होता है कि मैं जब सोता हूं मेरे को एक ना टाइप ऑफ सपना आता है, एक ड्रीम आता है, और उस ड्रीम में मेरी आंखें खुलती नहीं है प्रॉपरली। ये मेरे साथ इतनी बारी हुआ है, लाइक मेरे को लगता है शायद पिछले परसों रात की ही बात है। मेरे को एक ड्रीम आया था, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ, बट वो सपने में क्या था, मैं इधर उधर भाग रहा था लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा था मेरी आंखें खोलने की, मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी भाई, खुल ही नहीं रही थी। और या इट हैपेंस विद मी, वो स्लीप पैरालिसिस होता है भाई। उसके अंदर जो जीनी है वो एक जिन होता है, और वो एक बहुत ही अच्छा जिन दिखाया गया है जो तुम्हारी विशेस को ग्रांट करता है, लेकिन यूजली जिन्स ऐसे नहीं होते हैं। तो गाइस, डीमंस, स्पिरिट्स, एलियंस वगैरह ये सारे लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। और इस बार मैं शॉपिंग करते करते पैसे कमाने, ब्रो आई वाज सो इंट्रिग्ड कि क्या होने वाला है, अभी क्या आएगा यहाँ पे। जिन्स पैसे के बारे में नहीं सोचते, फिंग भाई सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, सारे ह्यूमन सोचते हैं भाई, इन्वेस्ट करो क्रिप्टो करेंसीज में। ये सबसे बेसिक डीमन है, ये सबसे वीक काइंड है डीमंस का। ये वीक तो है लेकिन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हो सकता है तीन हो गए ना, ये चौथा है ना। इन डीमंस के अंदर बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है, बहुत कम पावर होती है, इसलिए ये डीमंस हेल्प करते हैं विजर्ड्स और विचेस को उनके रिचुअल्स में और उनके स्पेल्स में। सेम लाइक द अदर डीमंस, ये किसी भी फॉर्म में तुम्हें मिल सकते हैं, एनिमल्स के फॉर्म में, ह्यूमंस के फॉर्म में, और इनका बेसिकली काम होता है विजर्ड्स और विचेस को हेल्प करना। अदर देन दैट, ये फेमिलियर डीमंस हार्मलेस होते हैं हम ह्यूमंस को, क्योंकि हम ह्यूमंस इनसे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं ऐसा कहा जाता है। ओके अच्छा भाई, ठीक है, एटलीस्ट ठीक है। आई कैन लॉक आउट लड़कियों से एकदम डीमन रहते हैं ना। मैं तुम्हें अभी और मटेरियल देने वाला हूं टू स्टे द सेम। सक्यूबस इज अ डीमन जिसकी आदत होती है टू टेक फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल वुमन। Oh my! Let's go! I love this team, man. एक बहुत ही सुंदर लड़की का फॉर्म लेने का ट्रेट होता है इस डीमन का। सक्यूबस क्या करता है कि वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव वुमन का फॉर्म ले लेता है, एंड आफ्टर दैट जिस लड़के को इस डीमन को अपना विक्टिम बनाना होता है उसके सपनों में आने लग जाता है ये डीमन, जो सक्यूबस डीमन है। अगर वो तुम्हें तंग करना चाहता है भाई, उसका नाम ही सक्यूबस है भाई। सक यू एंड देन बस हो गया भाई। कम ऑन सक्यूबस, कम ऑन, वेयर यू एट, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो वो एक बहुत ही सुंदर लड़की का फॉर्म ले लेगा और तुम्हारी ड्रीम्स में आना शुरू कर देगा। तुम्हारी ड्रीम्स में आने के बाद वो तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा इन योर ड्रीम्स। अब जितने भी लड़के ये देख रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम, स्वपन दोष, लाइक स्वपन दोष, एक बहुत ही सुंदर लड़की मेरे सपनों में आ रही है एंड आई एम हैविंग सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस विद हर, लाइक क्या प्रॉब्लम होगी इससे। एंड यहाँ पे लड़के गलती कर देते हैं। जैसे जैसे लड़की का ब्रेन प्लेजर के साइड जाना शुरू करता है अपने ड्रीम्स में, वैसे वैसे ही ये जो डीमन है ये सोल पे फीड करने लगता है अपने विक्टिम की। तो जब जब विक्टिम प्लेजर के साथ बिजी होता है, साइड बाय साइड वो डीमन सोल पे फीड कर रहा होता है। सक्यूबस जो नाम है वो आया फ्रॉम द वर्ड सक्यूबेर, जिसका मीनिंग होता है टू लाई बीनीथ, बेसिकली तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड में लेटना। और जब ये डीमन तुम्हारे सपनों में आता है, सक्यूबस तुम्हारे सपनों में आता है, तुम बिजी हो जाते हो प्लेजर के साथ एंड ये साइड बाय साइड तुम्हारी सोल पे फीड करने लगता है। एंड व्हेन दिस हैपेंस, once the demon is done, जैसे उसे लगता है कि उसका काम हो चुका है,
वो विक्टिम को छोड़ देता है विद सिवियर मेंटल इलनेस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स. समटाइम्स ओ भाई आई डोंट हैव एनी मेंटल इलनेस, आई डोंट हैव एनी मेंटल प्रॉब्लम्स, आई डोंट इवन मैस्टर ब्रो यार ब्रो यार मेरे को सो मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ अभी मेरे माइंड में ब्रो. आई एम क्वेश्चनिंग माय ओन एग्जिस्टेंस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो. इट कैन आल्सो लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स. जो विक्टिम है वो काफी बार वापस नहीं आ पाता है अपने ओरिजिनल स्टेट में, वो इतना डैमेज हो चुका होता है. तो ये ऐसा डीमन है जो तुम्हारे सपने में आता है तुम्हें हार्मलेस नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हार्म कर रहा होता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है. तुम मेंटल इलनेस के थ्रू जा सकते हो और हो सकता है वो तुम्हें एक परमानेंट डैमेज देके चला जाए. तो इफ़ यू आर अ मैन, ठीक है, और तुम्हारे सपने में कोई बहुत हॉट लड़की आती है और तुम कुछ स्टीमी चीज़ें कर रहे हो उसके साथ, इट्स वेरी पॉसिबल कि वो एक डीमन हो सकता है जो तुम्हारे सपने में आके तुम्हारी सोल पे फीड करने की कोशिश कर रहा है. मैंने जस्ट अभी कुछ लोगों के लिए उनके बेस्ट ड्रीम्स को उनका वर्स्ट नाइटमेयर बना दिया. आई एम सॉरी. यस सर यू डिड मैन, यू रुइंड माय स्लीप. देखो जिंदगी तो झंड है ही, रात को जब सो के थोड़ा सुकून मिलता है तुमने वो भी झंड कर दिया भाई हमारा. बट ये पढ़ के मैं भी थोड़ा सा हिल गया था. पिंग भाई को भी सपने आते हैं. अबीजू. इस वीडियो के लिए जो लास्ट डीमन है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबीजू. अबीजू इज अ फीमेल डीमन एंड मोस्टली द डीमन अबीजू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकैरेजेस. अबीजू कैन कॉज मिसकैरेजेस एंड इवन इनफर्टिलिटी. अबीजू एक ऐसी फीमेल डीमन है जो एनवी पे सर्वाइव करती है, जिसको जेलसी होती है प्रेगनेंट वुमेन से क्योंकि वो खुद इनफर्टाइल होती है, उसका खुद का कोई बेटा या बेटी नहीं हो सकता. Ibizu can't give birth and यही चीज सबसे ज्यादा इस डीमन को बॉदर करता है. Bro, okay. तो बेसिकली अभी इसमें मेरे को बताओ कितने लोग इस मेरी इस बात से रिलेट करेंगे. हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज नहीं बोल सकते, हाँ पूर्वज ही बोल सकते, जो हमारे बड़े लोग थे, ठीक है, हमारे से दो तीन जनरेशन पहले वाले, जब कोई लेडी प्रेगनेंट होती तो उसको एकदम आइसोलेट कर देते थे, उसको एकदम प्योर रखने की कोशिश करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे. यू नो बुरी तुमने सुना होगा, अपनी फैमिली में भी किसी को बात करते सुना होगा कि जो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस बुरी बलाएं उसके आसपास नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है, ये करो वो करो ताकि वो बुरी चीज़ उसके पास ना आए. ब्रो एवरीथिंग एवरी सिंगल थिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टार्टेड मेकिंग सेंस. क्रेजी. और इसी वजह से ये डीमन तुम्हें ज़्यादातर बच्चों के अराउंड और प्रेगनेंट लेडीज़ के अराउंड मिलेगा. कभी भी अगर कोई प्रेगनेंट लेडी पोजेस होती है तो कहा जाता है कि उसके अराउंड अबीजू है, कि उस लेडी को एक अबीजू डीमन ने पोजेस करा. और ऐसे केसेस में बहुत जल्दी जल्दी डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करी जाती है अपने विक्टिम से, क्योंकि देरी होने पे इट कैन अफेक्ट द बेबी. ये काफी फक्ड टाइप है और ये बहुत ही डेंजरस टाइप है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज एक बहुत ही इजी टारगेट होता है डीमंस के लिए जब वो किसी को पोजेस करना चाहते हैं. और अबीजू तो वैसे ही एक टाइप है डीमन का विच इज अगेंस्ट प्रेगनेंसी एंड बेबीज एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो खुद इनफर्टाइल है. तो गाइस इस वीडियो में हमने डिस्कस करे पांच डीमंस और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऐसे ही पांच और डिस्कस करने वाले हैं. डैम भाई क्या क्रेजी वीडियो थी यार, क्या क्रेजी वीडियो थी ब्रो. इसका मतलब ये है कि हमारे जो बड़े लोग थे जो उन्होंने कहानियां बनाई थी वो कहानियां नहीं थी, वो कहीं ना कहीं सही थे. उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज थी कि अलग अलग तरह के डीमंस होते हैं और वो अलग अलग चीजों को अलग अलग वे से अटैक करते हैं. ब्रो यार क्या वीडियो यार, दिमाग फाड़ दिया भाई फिंग ने. ओ माय गॉड ब्रो अभी मैं रात को सोऊंगा कैसे यार, मेरे तो अभी टाइम भी 6:30 बजे शाम के, मेरे को सोना है रात को. मैन दिस वीडियो इज क्रेजी. Alright guys, let me know आपके point of views क्या हैं इस video को लेके, what do you guys think about it और आपको क्या लगता है कि क्या demons असली में होते हैं. मेरा मानना है होते हैं, succubus तो पक्का होती है. बाकी कोई demon हो ना हो succubus तो पक्का होती है. But bro मजाक नहीं, there might be some demons. राइट, यू नेवर नो, क्या पता कोई डीमन अभी इसे पीछे से मेरे को देख रहा हो इस कैमरे के थ्रू और वो आप तक पहुंच जाए. सो या टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बैंग.